क्या तुम्हें याद है, बचपन में तुम मेरी हील वाली जूती पहनती थी, पर्दे के पीछे जाकर आवाजें लगाती थी, अम्मी देखिए मैं दुल्हन बन गई हूँ। फिर मैं कहती थी मेरी बेटी कितनी प्यारी दुल्हन लग रही है, किससे शादी कर रही हो मेरी जान, जरा मुझे भी बताओ। फिर तुम मुझे एक आदमी का हुलिया बताती थी जो तुम्हारे बाबा की तरह था। मामा। हाँ कहो। आपने उन्हें क्यों माफ कर दिया बताए मुझे, वो हमें छोड़कर चले गए थे किसी और के लिए। मैंने उन्हें क्यों माफ किया, तुम्हें कैसे समझाऊं मैं नहीं जानती। बेटा जब मैं तुम्हारे बाबा को घर से निकाल रही थी तो जैम उनको बड़ी मासूमियत से देख रहा था। क्यों देख रहा था वो उन्हें? इसलिए देख रहा था कि शायद वो बाबा को कभी मिस करता हो और उन्हें दोबारा नहीं देख सकेगा। मैंने तुम्हारे बाबा के जाने के बाद उनकी सारी चीजें जला दी थी, सब कुछ खत्म कर दिया था। जैम ने अपने बाबा को बरसों से नहीं देखा था, अभी वो छोटा सा बच्चा है, तुम्हें पता है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मम्मा क्या बाबा हमें दोबारा छोड़कर चले जाएंगे, उसने ये बात बड़ी मासूमियत से कही। इंसान गुस्से में हकीकत को नहीं समझता, मैंने उसकी यानी उसकी आंखों में तुम्हारे बाबा के लिए प्यार देखा। मैं भी नहीं चाहती कि वो हमारे साथ रहे, लेकिन मैं तुम्हारे बाबा को मना नहीं कर सकी, सच कह रही हूँ, क्योंकि मैं जैम को मायूस नहीं देख सकती। तुमने जो किया वो देखो, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। क्या ये वजह है उनके रुकने की? नहीं, एक और वजह भी है। मेरी और तुम्हारे बाबा की बात हुई थी, लेकिन वो बात तुम उस वक्त समझोगी जब हमारी एज में आओगी। मामा मैं कभी बाबा को समझना ही नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन अब ये जिद छोड़ो, बस कुछ दिन अपने बाबा के साथ गुजार लो, ठीक है मेरी प्यारी बेटी, जहम के लिए। देखो बेटा अभी वो बच्चा है, कम से कम उसी के लिए ही सही अपने बाबा के साथ रह लो, ठीक है ना, समझ गई। चलो आओ, तो मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ, शायद तुम्हें फैसला करने में आसानी हो जाए। चलो आओ। मामा मामा प्लीज, आप बेकार की कोशिश कर रही हैं, उनको ना ही आपका और ना ही हमारा एहसास है, समझे आप, प्लीज मामा। चलो आप आओ। रुको रुको रुको, रिलैक्स करो, गुस्सा नहीं करो। देखो मैंने भी अपनी टीम के साथ मैच खेला है, इस टेक्निक को समझ लेता हूँ मैं। प्लेयर के आते ही जिस तरफ जाना है हमने, समझ जाओगे तुम, ठीक है? लेकिन अगर सामने वाला चालाक है, मसलन मेरी तरह, राइट दिखा के लेफ्ट साइड पे हिट करेगा, धोखा देगा, लेकिन तुम बॉल पर नजर रखना, ठीक है? और याद रखना बॉल से नजर ना हटे, चाहे जिस तरफ भी आए तुम अंदाजा लगा लोगे। और हाँ, जल्दबाजी ना करना, आखिरी सेकंड तक वेट करना, ठीक है बाबा? बॉल दो, तैयार हो? हाँ। वेल डन बाबा, आप तो सुपर हीरो हैं। मेरा बेटा, मेरी जान। देखो जरा तुम अपने भाई जैम को, वो अपने बाबा के साथ कितना खुश है। अब घर चलो, और वैसे भी वो कुछ दिन के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। देखा कैसे सीख लिया। बाबा यू आर ग्रेट।
क्या सोच रही हो बेटा बताओ? ज़ेनिया, बताओ क्या सोचा है, क्या फैसला किया है? मैंने अपना फैसला कर लिया है मामा। हेलो, मुझे बुलंद कहते हैं, हमारी फोन पर बात हुई थी। जी याद है, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मुझे माफ करिएगा, हम ऐसा करने पे मजबूर हो गए, वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, हम बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए आपको बताया। वो वहां बैठे हैं। जावियर, बेटा क्या कर रहे हो यार, तुम जरा होश से काम लो। आप लोग जाएं यार। यार जरा टिश्यू लेकर आओ। आयाज तुम्हारा यार क्या काम, जाओ तुम यहाँ से। जावियर बेटा होश में आओ। जावियर बाबा, मैं शायमा को बुला नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों से भी अलग नहीं हो सकता, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपसे, अपनी बहन से और शायमा से भी करता हूँ, लेकिन आप सब एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, मैं क्या करूँ? हाँ आप बताएं। बस बेटा सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ एक सेंटर पीस रख दूँ, और हाँ साइड पे एक खूबसूरत सा टेबल रखेंगे, उसके ऊपर शोपीस वगैरह या बुक्स रख लेंगे, कमरा डेकोरेट होके कितना अच्छा लगेगा ना। यार ज़ेनिया, जानती हूँ कि तुम्हें अयाज से मोहब्बत है, लेकिन अभी तुम अपनी दोस्त से मिलने आई हो, तुम्हारे बाबा इतने अरसे के बाद वापस आए हैं और तुम हो के उनके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रही। कम से कम एक बार बात तो करो उनसे, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ से फिर वापस चले जाएं। क्या बात है फिजा तुम्हारी, अब तुम भी मुझे समझाओगी। वो इसलिए कि तुम ठीक नहीं कर रही, और ये दुनिया बहुत से गलत लोगों से भरी हुई है, लेकिन तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम तो कहती थी कि तुम्हें तुम्हारे बाबा से बहुत मोहब्बत है, अब क्या हो गया बताओ मुझे। बहुत शुक्रिया फिजा, मैं बहुत परेशानी में आई थी और यहाँ तुम भी। बस वैसे मुझे मिराल आंटी की ज्यादा फिक्र है, वो कहती नहीं है लेकिन मैं जानती हूँ कि वो ज्यादा फिक्रमंद है, थोड़ा सीरियसली सोचो तो उसकी वजह तुम हो। Thank you.
दुनिया गोल गोल घूम से क्यों दस्ताने मैनू किथे लग तेरा दिल गया वे।